मैं दरवाज़ा खोलिया जिदा छत पर चला गया। मैं भी छत गई अपना बच्चा लै के, फिर मैं छत जो वापस थल मैं छत कतर करके चला गया। फिर मैं थले आई, फिर नहीं देखा तरफ राती। फिर मैं अपने सोरन उठाया यहाँ तक जब कतर कर उसके बाद इन्होंने पहले गलत फैली की दोनों ने ऊपर जाकर। अच्छा, गलत फैली करने के बाद फिर इन्होंने मेरे बच्चे असलान को कतल किया है। कतल करने के बाद इसने क्या किया है, उसको बाहर निकाला है। बाहर निकाल कर फिर मुझे 12:20 या 22:24 हुए थे जब इसने मुझे दिखाया क्या, मुझे देखो अली ने क्या कर। अच्छा, अभी हमारे साथ मौजूद हैं वो बीवी जिसने अपने जेठ के साथ मिलकर अपने शोहर को ख़त्म कर दिया। बात करते हैं जी क्या मामला है। इनके ससुर से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने सारा मामला बताया है कि जी किस तरह से ये इनके गलत मामला चल रहे थे। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? डेढ़ साल हो गया आपकी शादी। जिससे शादी हुई थी वो घर में बड़ा था या छोटा था? छोटा। क्या नाम है आपके शोहर का जी? आप थोड़ी बुलंद आवाज में बात करेंगी। अच्छा जी, 1.5 साल हो गए शादी को। तो ये दूसरा जो आपका जेठ है इसका क्या नाम है? सर। अच्छा, तो कब से घर में झगड़ा चल रहा था, मामला खराब थे? मेरी शादी पहले। आपकी शादी पहले? शादी से पहले ही। क्या झगड़ा था? दोनों भाइयों का सी जी। दोनों भाइयों का सी। अच्छा, अब चले, अब दोनों भाई का झगड़ा था। तो आपका शोहर वैसे ही घर कमाता, आप घर में आपका शोहर कमाता था? हाँ जी। और आपका जेठ फारिग रहता था? हाँ जी। अच्छा, तो घर का खर्चा वर्चा आपको, खर्चा आपका शोहर देता था? शोहरा देता। आपके यानी कि वो अपने अबू को देता था, फिर आपके ससुर आपको खर्चा देते थे। तो फिर क्या वजह बनी, क्यों अपने शोहर के साथ आपने बदयानती की? किसने की फिर? जेठ ने क्या कहा आपको? मुझे क्या पता। नहीं, आपकी और आपके जो जेठ के साथ जो ताल्लुकात है वो कब बने? शादी के बाद बने। तो आपने मना नहीं किया कि मैं तुम्हारे छोटे भाई की बीवी हूँ, ऐसा गलत मैं नहीं कुछ करूँगी? उसने अम्मी ने भी किया। क्या किया था? ने अम्मी ने मना किया। किसकी अम्मी ने? फैसल की अम्मी ने। क्या लगता है वो आपका कौन? जेठ, आपके जेठ की अम्मी ने मना किया था? हाँ जी। अच्छा, सबको पता लग गया था क्या कुछ इस तरह का मामला है? हाँ जी, अम्मी ने मुझे समझाया सी। समझाया सी ते क्यों आपने उसकी बात क्यों मानी? मैं मानी थी जी। अरे पास न सी आंदा मुझे क्या नहीं होता था, बाज नहीं थी अंदर, बाज नहीं था आता है। अच्छा, तो हमें पता चला आपका एक छोटा सा मासूम बेटा भी है। हाँ जी। क्या उम्र है उसकी? 2 महीने का। 1 महीने का? 2 महीने का। 2 महीने का। तो फिर क्यों आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि आप इस तरह से आपने सारा मामला किया? मैंने नहीं किया। अच्छा, क्या हुआ था? नहीं, गोलियों का जो नींद की गोलियां थी वो सारे मैंने बताइए। मैं चिल्लाना फरुखाबाद गई थी। फरुखाबाद अपने मैके गई थी आप? हाँ जी। अच्छा, फिर तो जाकर ने मेरे अम्मी का नंबर तो फोन किया। किसने? मेरे अम्मी का नंबर तो फोन किया थी। किसने? आपके सासन। क्या रिश्ता क्या आपका उसके साथ? आपका क्या लगता है, जेठ लगता है ना? हाँ जी। बताइए ना, नाम ले रही है बार बार, पता तो लगे कि वो मेरे मिलन मतलब फोन की तास। अच्छा, तो मैं चुकिया फिर कंदा छिड़ाना आ के ही मैं क्या। हाँ, तो वो कंदा फरुखाबाद आ, मैं क्या की लेना अंदर। वैसे ही आप अपना बेटा दिखा के जाना रे, तो मेरा बेटा ठीक नहीं सी है, मैं दवाई लैन गई सी फरुखाबाद है। मैं अपना बच्चा भी दिखाया, उन्होंने मैं गोलियां दी क्या लै दिया। मैं क्या खा दी है? कहना लै जा घर जाके ना पला दी इन्हों। तो मैं क्या, अच्छा जो तो मैं घर आई मैं अपने सोरे नंबर का फोन किया। फिर तो मैं पूछा, कहता चुप आ के तुम्हें खिला दे, जो मैं आवागा दसागा।
नहीं, आपने गोलियां ले ली उसको? हाँ। नींद की गोलियां थी वो? हाँ जी। तो आपने मना नहीं किया कि क्यों तुमने गोलियां क्यों देनी है सबको, क्यों सुलाना है? पूछा सर देखो मुझे वो आपने दिया जी, क्या कह दिया? मैं पूछा सर देखो ना जवाब दिता है, कहता खिला देना जाके रात में सोन लगे, मैं खिला दी। फिर रात में थोड़े नंबर तो मैं फोन किया, मैं चुकया, कहना मैं आ रहा वहाँ, मैं कि लैन, मैं कहा सुबह आ जी, कहना नहीं मैं हूँ आना। तो मैं दरवाज़ा खोलिया दिता, छत चला गया, मैं भी छत गई अपना बच्चा लै के, फिर मैं छत जो वापस चल, मैं छत रही फिर कतर करके चला गया। फिर मैं थले आई, फिर नहीं देखा दर फड़ा सी, फिर मैं अपना सोरे उठाया, सोरे मैंने यकीन नहीं किया गल, उन्हें मेरा नाम ला दिया, फिर पुलिस लैके, फिर मैं दसिया उन्होंने। आपकी बहू ने भी आपकी ये बारिश सफेद दाढ़ी का लिहाज नहीं किया? नहीं लाज किए। शोहर जो कमा के लाता था, जिसके बच्चे की वो माँ थी, उसकी भी लाज नहीं रखी? बस नहीं रखी लाज। और हफ्ते और एतवार को इसको छुट्टी होती है, वही प्रोग्राम हुए हफ्ते को नाइट जो 10 बजे घर पहुँचा है, उस दिन इसने हमें नशे की गोलियाँ चाय में दी है। कैसे, किसने दी आपको गोलियाँ? बहू ने। उसको कहाँ पर मिली ये गोलियाँ? ये गोलियाँ जब अपने मेके गई थी उधर, इसने उसको दी थी। अच्छा, अब ये मेके जाती थी आपकी बहू तो आपके बड़े बेटे को फैसलाबाद से बुला लेती थी? हाँ जी, उसे बुलाया, उसे सारा प्रोग्राम का बनाया नया। तो रब्ता कैसे करते थे? जो मोबाइल पर, इसके मोबाइल था, नंबर इसके पास था। अच्छा। हाँ जी, तो वो गोलियाँ मैंने चाय में मुझे दी, मेरी बीवी को चाय में दी है, अरसलान को इन्होंने दूध है गोलियाँ पीस कर डाली है ताकि पता ना चले, छोटे बेटे को भी इन्होंने नशे की थोड़ी सी खुराक दी है ताकि वो सारी रात सोया ही रहे। पहले छोटा बच्चा था? हाँ जी, छोटा बच्चा था। और हकीकत बात है, सारी रात ना वो रोया ना मुझे जाग आई। अच्छा। जहाँ तक जब कतर कार इन्होंने गलत, उसके बाद इन्होंने पहले गलत फेली की तो उन्होंने ऊपर जाकर। अच्छा। गलत फेली करने के बाद फिर इन्होंने मेरे बच्चे असलान को कतल किया। कतल करने के बाद इसने क्या किया है, उसको बाहर निकाला है, बाहर निकाल कर फिर मुझे 12:20 या 22:24 हुए थे जब इसने मुझे दिखाया, कब मुझे देखो अली ने क्या कर। अच्छा, अब इन्होंने बचना कैसे था, ये इन्होंने क्या प्लान किया? प्लान था कि जी अली ने खुदकशी कर ली। अच्छा। अब बात समझेगा कि फैसला तो है फैसला बाद में, तो अली ने खुदकशी कर ली है, तो हम बाद में अब्बा कहेगा जी तो मर गया है, तो अभी मैं फैसला के साथ इसका निकाह कर देता हूँ ताकि घर की बात है घर में ही जाए। ये पूरा प्लान था, आपको आइडिया था कि ये गलत है दोनों आपस में? हाँ जी। उसके बाद फिर जब मैंने उस, नहीं तो आपको पता था ना कि ये जो है ये सारा उसने गोलियाँ क्यों दी हैं आपको? नहीं पता बस। लेकिन आपने फिर क्यों उसकी बात मान ली? आपकी ससुर बताऊँ क्या कहते हैं, उन्होंने बताया भी है, उन्होंने कहा जी कि आप लोगों का ये प्लान था कि आपने पहले भी उसको कोई ऐसी दवाई पिलाई थी जिससे उसका दिमाग ख़राब हो गया हुआ था, और जब ये आपका प्लान ये था कि जी उसको मार के वो वापस चला जाएगा फैसलाबाद, और आप ये कहेंगे जी उसने अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लिया है, और आपकी और उनकी, आपकी और आपकी जेठ की शादी हो जाएगी। आपकी ससुर ने कहा अभी चल भी जाएगा इसके साथ आपके ना बयान के साथ, तो आपके ससुर ने ये भी हमें बताया कि वो कह रहा है जी मैं हाथ जोड़ के माफिया मांगता रहा हूँ इनसे, बार बार मैंने रिक्वेस्ट की है कि जी आप लोग जो हो बाज आ जाओ। बेटे ने कहा मेरा कोई हाथ तुमने जोड़े है? एक मिनट, वो तो कहते हैं कि मैंने तो हाथ जोड़े हैं अपनी बहू के आगे कि घर खराब हो जाएगा, तो इस तरह कमा जो है बस समझाया है इसने। क्या समझाया था आपको? आपके ससुर आपको समझा रहे थे, आपके अम्मी अबू आपको समझा रहे थे, आपका खावंद आपको समझा रहा था, आप फिर भी इसके साथ आपने अपने मारने आता नहीं, आपके आपके आप फिर भी बाज नहीं आए, आप खुद कह रही है ना आपको समझाया था सबने, क्या वजह थी? ये ज्यादा पसंद था आपको उसे, ये पढ़ा लिखा था? नहीं। तो फिर आप क्यों नहीं, फिर आपने सब बड़ों की बात क्यों नहीं मानी, आपने सिर्फ इसी की बात क्यों मानी है? मानी जी, मानी मानी थी, किस वजह से माननी थी आपने बात? मेरा जिंदगी गुजारनी तू नहीं गुजारनी है तू छ। कौन कहता था? आपके अम्मी अबू आपको समझाते थे? हाँ जी, कि आपका जेठ जो है वो लालच कर रहा है? हाँ जी।
आप क्यों, आपने मानी क्यों नहीं बात ना, ये आपकी, आप मान लेती हैं अम्मी अबू की बात गलत ना करती। आप देखें, आपके ससुर को पता लग गया, आपके अम्मी अबू को पता लग गया, आपके खावन को पता लग गया कि आपके अपने ही जेठ से गलत सारे मामला चल रहे हैं। सब ने आपको फिर भी छोड़ दिया, माफ़ कर दिया और समझाते रहे कि आप अपने उसके साथ मामला ख़त्म कर लें। आपने फिर भी नहीं बात खत्म करना चाहती। फेन इसी चांद कौन जेठ हीरा से, तो फिर आपने क्यों उसके आप मेके जाके उससे रबते में क्यों रही? आप उससे ताल्लुक ही खत्म कर लेती। घर वालों ने तो उसको निकाल दिया था ना घर से। नहीं, ये कहाँ होता था ये? मेरे नीचे काम करती, मेरा काम पे था कोई। नहीं नहीं, ये जो आपका जेठ है इसको तो निकाल दिया था ना घर से इसके अबू ने। ये कहाँ पे होता था, ये किस शहर में होता था, किस शहर में होता था जी? आपका जेठ किड़े, थोड़ा जेठ जड़ा किड़े शहर ही चलता सी? फैसलाबाद। तो आप फिर भी उसके साथ रابطे में रहे, इसका मतलब है आप, आपके भी दिल में खोर था। मैं अपने मम्मी को जानदे फोन करदा सुन होते, तो फोन आपके पास कैसे आया? मेरी अम्मी दा है सी। तो आपकी अम्मी बू क्यों आपसे बात करवाते थे? अम्मी ने सी करवांदी, अम्मी ने पता है ना सी दा इतना, इतनी तो बात नहीं है ना कि आप हर बात ये करें कि आपके माँ बाप समझाते रहे, ससुर सास समझाती रहे, शोर समझाता रहा कि गलत ना करो, आप फिर भी बात नहीं आई। आखिरकार आपने अपने शोहर को ख़त्म ही करके सुख का सांस लिया। मैं गलती की तो मैं मानती हूँ।